17 साल का हिमांशु जिसके सपने थे, परिवार के सपने थे, सारे चकनाचूर हो गए और हड्डियों में तब्दील हो गए। 17 साल का हिमांशु जिसका अपहरण कर रखा था और भाई पुलिस ने पूरी कोशिश करी कि नहीं करी, इसके ऊपर भी घने बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। लाखन माजरा का हिमांशु जिसके 2.5-3 किलो के सिर्फ 8 गोड्डे बरामद हुए हैं, इतनी दुखद घटना। फिलहाल जो है गांव वाले ने, पूरे लाखन माजरा ने पूरा हाईवे जाम कर दिया है। परिवार जो है खून के आंसू रोने लग रहा है क्योंकि 17 साल का हिमांशु जिसके सपने थे वह चूर हो गए। अपहरण कर रखा था, फिरौती की मांग करी गई थी और लाखन माजरा का जो थाना है उस पूरे थाने के ऊपर गांव वाले की कड़वी निगाहें, गुस्से की, आक्रोश है पूरे गांव में। और तम देख को परिवार वाले न्याय की मांग खातर किस तरह रोड पर दर दर की ठोकर खान लग रहे हैं। तम अंदाजा लाश कहो कि परिवार के दिल के ऊपर इस टाइम के बीतरी होगी, जिसका 17 साल का लाल और वो बेहाल हो गया हो, जिसका न्यून बेरा कि भाई कौन सी हड्डी कित मिली है, किस तरह से बेदर्दी बड़े बेरहमी तरीके से दरिंदा ने उसको मौत के घाट उतारा है, इसका अंदाजा लाना बहुत मुश्किल है। पूरी घटना के घटी थी, पीड़ित परिवार मार गया मौजूद है, उन पर पूछेंगे क्यों के मामला बनाया था जी, के जानकारी आपका दूर है। मारा 3 तारीख ने गया था और बुलाया था 3 अगस्त ने। हाँ इसने मारे का 5:09 पर फोन मिल रहा था। अच्छा। और फिर फोन नहीं मिल रहा। अच्छा, हिमांशु कौन सी क्लास में पढ़ा करता? यो ही प्लस टू करके नारी रोहतक वेस में दाखला ले गया था 1 तारीख ने। रोहतक पढ़ा करता? गया नहीं था, एक ने दाखला लिया 6 तारीख ने, सोमवार ने जाए 3 ने उठा लिया। तो 3 अगस्त ने जी वो उठाया अपहरण कराया कि मैं मार दो, जो जानकारी है उसकी फिरौती वगैरह की मांग करी गई। बेरापट गया भी किसने वो कर 22 लाख रुपए मांगे जी, 22 लाख रुपए। हाँ बोले के छोरे ये बोला था कि भाई छोरा दिखा दो, वीडियो कॉल पे बात करा दो। 22 लाख रुपए देने ने परिवार तैयार था, लेकिन फिर भी उन्हें मौत के घाट उतार दिया 17 साल का। कोई परिवार का कोई लेन देन था कि मैं? नहीं, कोई नहीं था जी, और बिल्कुल शरीफ आदमी था जी। 15 लाख तो जी जो रेलवे स्टेशन पर है ना, 15 लाख तो मंगाए हैं और 5 लाख जालंधर मंगाए हैं। तो तुम देख सको अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हो रहे हैं, किस तरह से सरेआम फिरौती मांगी जावे है। तो एक तरह से हालात देख लो, तो हम जो हरियाणा है और हरियाणा का लाखन माजरा और उसमें ये हालात हैं, तो पीड़ित परिवार के ऊपर फिलहाल के बीतरी होगी जिसका 17 साल का लाल जो है। एक बात कहना चाहते हैं जी, सबसे अपील मैं ये करती हूँ जितने भी इस वीडियो को देखे है, वे इस दरिंदे के लिए इतनी बेहतरीन सजा होनी चाहिए कि समाज में वो दूसरे ने आगे किसी की मत नहीं और किसी की माँ की गोद नहीं उजाड़ सके वो। पुलिस के ऊपर भी बड़े बड़े सवाल ये देख सको तो हम एक मिनट जी। तो फिलहाल तो हम देख सको हो किस तरह से गर्मा गर्मी का माहौल बन रहा है और पूरा का पूरा लाखन माजरा जो गांव है ये देखो तो हम पूरा लाखन माजरा गांव की अगर मैं बात करूं, परिवार के जो लोग हैं उनका गुस्सा है। हाँ जी, पुलिस के ऊपर तो उम्मीद थी आपने? पुलिस वाले तो कर रहे हैं जो कर रहे हैं वो, पुलिस ने तो इसी तीसी कर रखी। अगर पुलिस अपना काम टाइम पे कर दी तो यह नौबत नहीं होगी। मेरा पोता है, मैं उसकी दादी हूँ, और आज तो 23-24-25 दिन हो गए, 26 दिन, और उसका कोई अच्छा की तो पाया, कोई अच्छा की तो पूरी बॉडी नहीं मिली। पूरी बॉडी तो अब लग मिली भी कौन नहीं मिली है। हम उससे के हमारे दम रोक रहे, हमारे की पूरी बॉडी मिल जाओ, हम उसका संस्कार कर रहे। हाँ हाँ, उसका न्यू बेरा कुकर पटक भैया हड्डी उसे की है, उसका बेरा न्यू पटा, उसके कपड़े पाए हुए और उसके हाथ में कड़ा, उसकी हम डॉक्टर रिजर्व कराओगे तब उसका सारा अंग मिल लेगा। बहुत दुखद घटना है और दरिंदे थे जिनने इस घटना को अंजाम तक पहुँचाया है, वह जो दरिंदे कित बगा हमने मिल नहीं रहा। अच्छा, ये कित बरामद हुए हैं जो हड्डी बरामद? ये आड़ा हुए इस पे तो नाना जो पड़ता है जी। अच्छा, मोटरसाइकिल तो पिछड़ा, मोटरसाइकिल कपड़े और हाथ का कड़ा। ये 3 तारीख को हिमांशु जो है जब गायब होया, फोन पर बुलाया किसी ने, मोटरसाइकिल का रेत तक नहीं लाग रहा। 23 दिन मोटरसाइकिल सड़क के ऊपर खड़ी हो जाएगी, जंगल में खड़ी होगी, धूल में लगा था। 3 अगस्त को ले गए थे इसने। 3 अगस्त मेरा बेटा कार्रवाई कर दे तेरा भला। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो अगर पुलिस अपना काम टाइम पे करे, यानी कि 3 अगस्त की घटना और आज अगर मैं बात करूं तो 27 तारीख हो गया, 26 तारीख पैड का पता लग गया 23 दिन बाद। 26 तारीख तक कोई भेदभेद नहीं, मोटरसाइकिल का धूल माटी कुछ नहीं। अच्छा, न्यू भी सुनने मारी है कि जो अपराधी थे, जो दरिंदे थे, उनको एसी में बिठा के चाप प्याई गई है पुलिस के द्वारा। जय बात। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
जी एस एच ओ का हाथ में है, क्योंकि सुनो भे सुनो एक एक करके बोलो जी, एस एच ओ का श्यामी उसने मांगे पीछे 22 लाख है, और एस एच ओ की सारी बात बता दी, मौका पर दिखा दिए बिजड़ा मांगे है उड़े ले गए, एस एच ओ ने फिर भी वो नहीं अरेस्ट किया। अच्छा, किस पे डाउट है आपने, किसके ऊपर सके? एस एच ओ का सारा मामला नहीं, एस एच ओ ने तो माले पुलिस ने अपना काम जो करना था नहीं किया, लेकिन यू जो दरिंदापन जो दिखाया है ये गांव के लोग थे, गांव का है जी, राहुल नाम है जी, गांव का लड़का है, उसका दादा फौजी है, उसका बाप भी फौजी है, उस छोरे ने गश्त ठाक ले गया है, और फिर कार्रवाई पुलिस की है। किस बात की खुंदक थी, को लेना देना, कोई हिसाब किताब, को जमीन का मामला, उसका यारा था, उसका प्यारा था, छोरे का ना तो अनजान दे, ना मेरे घर लव है, ना मेरी जान पहचान, ना मेरा भाई तो दूर था। चलो एक क्या सुनियो जे, आता पाई हो जे, और तक तो मामला खटा जे, लेकिन इस तरह की दरिंदगी दिखाना, और जिसके पीछे कोई लॉजिक भी कोनी, कोई मामला भी कोनी, की दूसरी बात सुन ले भाई साहब, इतनी गिट्टी मिली है उसकी, शर शर एक हाथ की हड्डी है, उसका शरीर था जिसमें, उसका शरीर पर खाल कोनी, मांस नहीं है उसका, कितने भी दादा लाश को कितनी बेरामी है। अच्छा, पूरा यानी के ये जो सिर तो ऊपर लाइसा है, और एक एक बाजू है, यानी के 70-80 किलो का ही मांसु, जिसका मात्र 2.5-3 किलो के हाड़ बरामद हुए सिर्फ, यह बात है जी, ये बात इसी है। जब एस एच ओ एस एच ओ का श्यामी छोरा ना अबर ली, जो राहुल है जो, हाँ, और फिर भी उसने ठाया नहीं वो छोरा, उसने कहा दिया की कार्रवाई कराएंगे, कार्रवाई कैसे करेगा जी? देखो, अपराध की सजा जब तक कठोर नहीं होगी, धर्मो भाई एक बात सुन ले, या तो मारे सामने खड़ा हो कहीं छोरा का गोली मरवा दे, एनकाउंटर चाहिए हमने उसका भी, एनकाउंटर नहीं, सजा बिल्कुल जो कानून में जो सजा है उसके हिसाब से सजा मिलनी चाहिए, फांसी से भी कोई, उस सजा में मेरा बेटा नहीं मरता, उस सजा में मेरा बेटा नहीं मरे, असल जो है उसको नौकरी को निकाल देना चाहिए, असल जो है उसको नौकरी को निकाल दो, मारा लड़का जुकर मारा है बिल्कुल, उसको हमारा सामने खड़ा ने लाश बाहर कटवाई है। चलो फिलहाल ये दुखद तस्वीर है भाई, कैमरामैन विक्की तिकुंगा एक बार दिखा दे ये दुखद तस्वीर, तो ये दुखद तस्वीर है, इन दुखद तस्वीरों पर छोटा हाँ फिलहाल जो है